अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कहां पेटीएम से भीख मांगता है बाबा और खरीदना चाहता है हेलीकॉप्टर। दिखाएंगे कि कहां चोर ने मंदिर में चोरी करने से पहले भगवान से मांगी माफी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, और कहां पिकनिक मनाने आए सैलानियों की 13 लग्जरी कार बही बाढ़ में, वायरल हुआ वीडियो। अजब गजब खबरों के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम से भीख मांगने वाले बाबा की। ये बाबा हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बाबा ये भी बता रहे हैं कि इनके पास 10 से 50 लाख रुपए खाते में होंगे। बाबा सागर के रहने वाले हैं और इनका नाम है झुनझुन बाबा। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो हमारी टीम इसकी सच्चाई जानने पहुंच गई झुनझुन बाबा के घर, जहां पूरी सच्चाई का पता चल गया। झुनझुन बाबा का असली नाम है संतोष सेन। घर वालों की माने तो संतोष सेन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो ऐसे ही गप मारते रहते हैं। इसके साथ ही संतोष सेन की माँ की माने तो घर वालों पर पहले से ही काफी कर्ज है। संतोष सेन के पड़ोसियों की माने तो लड़के की शादी के बाद से ही संतोष ने गांजा पीना शुरू किया, जिसके बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और पीले कपड़े पहनकर वो भीख मांगने लगे। फिलहाल झुनझुन बाबा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गजब में अगली खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से है, जहां नदी में अचानक बाढ़ आ गई और इंदौर से पिकनिक मनाने आए 60 से 70 सैलानियों को यहां आना भारी पड़ गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाढ़ में उनकी 13 लग्जरी कारें बह गई। इंदौर के सैलानी डीजे और खाने पीने के सामान के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे थे। लोग टेबल कुर्सी लगाकर पिकनिक मना रहे थे, नाच गाने और मस्ती में झूम रहे थे। इसी दौरान पहाड़ी क्षेत्र में अचानक बारिश होने से अचानक सुकड़ी नदी में बाढ़ आ गई। नदी में पानी बढ़ गया और गैस टैंक, चूल्हा और बाकी सभी चीजें बाढ़ में बह गई। जिस वक्त वो डीजे पर डांस कर रहे थे, उसी वक्त बाढ़ आई और इनकी 13 लग्जरी कारें पानी में बह गई। नदी किनारे पिकनिक मना रहे सैलानियों ने जैसे ही बाढ़ का तेज वेग देखा, वो ऊपर की ओर सुरक्षित जगह भागने लगे, लेकिन बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि उनकी कारों को नहीं बचाया जा सका। हालांकि ग्रामीणों की मदद से 8 कारों को बाहर निकाल लिया गया और अभी भी कुछ कारों को ढूंढा जा रहा है। गजब में अगली खबर भी एमपी के जबलपुर से है, जहां से एक संस्कारी चोर का वीडियो वायरल हो रहा है। गृह प्रवेश से लेकर नए व्यापार की शुरुआत या फिर दूसरे शुभ काम, ऐसे मंगल कामों की शुरुआत पूजा पाठ से ही होती है, लेकिन चोरी जैसी वारदात से पहले कोई चोर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करे तो हर कोई हैरान हो जाएगा। जबलपुर के एक संस्कारी चोर ने चोरी करने से पहले माता लक्ष्मी की हाथ जोड़कर पूजा की और माता लक्ष्मी से चोरी की इस वारदात को करने के लिए क्षमा भी मांगी। फिर मंदिर से 3 दान पेटियों और पूजन के बर्तन पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर का ताला तोड़कर चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया और चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस चोर की तलाश कर रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।